अभी जो आप देखने वाले हो ये देखने के बाद आप सोचोगे कि मैं अपने जिंदगी में एक बार यहाँ तो जरूर आऊंगा। ये है ब्लॉग नंबर 5। क्या आप रेडी हो गाइस? ये है आपके सामने। ओ माय गॉड गाइस, आप देख सकते हो कितना सुंदर है। मैं ये सारा ब्लॉग इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप जब यहाँ पर आऊँ तो आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, आगे वीडियो देखते रहो। तो चलो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और भी ऊपर उठ के अच्छे से। यहाँ पे उठ के देखो चारों ओर, इधर ओस ही ओस है। अरे यार बादल है ना, बाप रे देखो। अरे ओ बाप रे, मेरा कैमरा धुंधला हो रहा है पूरा। अगर आपने हमारा लास्ट ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर देखो, तभी आपको पूरा ब्लॉग समझ में आएगा। अब तो आप लोगों को और भी सुंदर नजारा देखने मिलेगा। बहुत मिस कर रहा हूँ वर्षा लोगों को। हे भगवान माफ कर देना यार, जल्दी मिल जाने से बेटर है। अब देखो बाप रे। असल में हम लोग ज्यादा दूरी पे नहीं थे, थोड़ा आगे पीछे थे। जब हम मिले तब हमें पता चला मिल गया। ढूंढते ढूंढते वर्षा आ गई हम लोगों को। हम लोग बहुत टाइम रुके तुम्हारे लिए उधर, तो कोई हम लोगों को भिखारी समझ के चाय भी पिलाया। वो लोग चाय पी रहे थे तो चाय भी पिला दिया। बाणगंगा से सीधा जाना था हम लोग को चरण पादुका। गर्ल्स लोग हमारे से थोड़ा आगे जा रहे थे तो उन लोग चरण पादुका पहुंच गए थे, तो हम लोग पीछे पीछे जा रहे थे तो उन लोगों को नहीं देखा था, उन लोगों को क्रॉस करके आगे चले गए थे। पूरा बात यही है। मैं समझ गई तुम लोग खरीद रहे हो। हम तो मंदिर में घुस गए ना, हमको लगा तुमको सेंस तो होगा चरण पादुका में घुसना है। हाँ तो पता ही है, हम लोग इतना भीग भीग के सोचा, सबको पूछ पूछ के आ रहे के तीन मतलब लड़की को देखा जो अपने माँ के साथ जा रही है। अरे मतलब सोचो घोरा लात मार दिया भाई, डरा दिया। वो कम है भाई। ओ देखो अरे बरसा मार वो बैड टेंशन लेते चलो ना है वो से भी। ओ देख सो कुदरत का करिश्मा देखो, यहाँ पर इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं और थोड़ा सा धूप गिर रहा है देखा वहाँ पर बादलों के बीच से। और एक बार मैं कैमरा घुमाता हूँ गाइस, देखो चारों ओर कितना फॉग है, ये बादल है इतना सुंदर। आप रे देख सकते हो पीछे दूर चढ़ते हैं। कैसा लग रहा है बोलो पीछे? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि बारिश और धूप दोनों में है। तो गाइस रास्ते में बहुत सारे फ्रूट्स मिल रहे थे, आप नीचे से ही थोड़ा बहुत फ्रूट्स साथ में लेके आ रहे। वो देखो हमारा स्टेशन, उधर से हम लोग आए थे, नीचे एयरसेल का सिम मिल रहा था और उधर से भी लोग बहुत लोग सिम ले रहे थे। और इधर पीसीओ का वैल्यू देखो। दीपांकर रोहन, इस दुनिया से पीसीओ का नाम उठ चुका है लेकिन यहाँ पर इसका बहुत वैल्यू है, देखो एक बार। मैं ये तो नहीं बोलूंगा आपको फास्ट फूड का हर एक आइटम मिल जाएगा, लेकिन आपको खाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा चीजें उधर मिल जाएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं, खाना हो गया, खा लिया हम लोगों ने थोड़ा, अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। और भी कितना ओस है देखो, कितना ओस है देखो एक बार, चारों ओर बहुत ही ओस ही ओस है। हम लोग बादल के अंदर है, बहुत ही मजा। देखो देखो बाप रे है ना, बहुत ही ठंडा। तो फाइनली हम लोगों को पूरा ग्रुप मिल गया। थोड़ा आगे जाते ही, क्योंकि हम लोग थोड़ा ही आगे पीछे थे और थोड़ा बहुत डांट भी सुनना पड़ा, लेकिन गाइस चलता है। एक प्लीज आप लोग एक साथ रहिएगा अगर ग्रुप में आ रहे हैं, नहीं तो हमारे जैसा होगा, आप गुम हो जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर कॉफी पिया जा रहा है, बांध लिया पूरा, बाप रे गरम गरम चाय मस्त लग रहा है, बहुत जबरदस्त एकदम। बस घर वालों को मिस कर रहे हैं, मम्मी लोगों को, मेरा मम्मी लोग, भाभी भाई लोग। नहीं नहीं हम लोग बिल्कुल नहीं नाचेंगे, कंट्रोल, नहीं 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 नाचेंगे हम लोग। देखो हमारे साथ कौन आ गई। आपको पानी लेके आने का भी ज़रूरत नहीं है और बिना ज़रूरत का कुछ भी नहीं लाना है, भारी सामान। आप ऐसे यहाँ पर पानी भी भर सकते हो। आप देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है 165 सीरी है और
अभी तो सीरीज शुरू हुई है तो ऊपर चलते जाएंगे हम लोग। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 165 सीरी। आप देखो बाप रे कितना सही नज़ारा है ना, बाप रे कितना ज़बरदस्त। सीरी से बेटर डायरेक्ट चलना है। मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आंटी लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हम डांसर लोग हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, बट आंटी लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर चेकिंग है हम लोगों का, इधर चेकिंग होगा फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। एक हमने एक बार सीरी में चला था और बाकी पूरा सीधा सीधा जो रास्ता है उसी से आया। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, अधकुआरी पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हो इधर है। तो चलो हम लोग अभी उधर जाते हैं। थोड़े दूर दूर ही जितना ऊपर उठते जाओगे उतना सुंदर मौसम और उतना सुंदर ही जगह। आप देखो बाप रे, देखो अरे आसमान भी देखने लायक है। ये देखो हम लोग का ग्रुप, तीन हम लोग व्हाइट में हैं और बाकी रेड में हैं। इस ब्लॉग के स्टार्टिंग में जो मैंने आपको वीडियो दिखा था ये उसी जगह का वीडियो है और मैंने दोबारा प्ले नहीं किया उसको, फास्ट में मैंने प्ले कर दिया। आगे देखते रहो। देखो दोस्तों देखो आसमान ऐसा लग रहा है हाथ में हम लोग का। अरे यार उधर तो और है, देखो कितना बड़ा शहर। अरे बाप रे, अरे उधर से आए ब्लू ब्लू जो आपको दिख रहा है, इधर से सीधा सीधा आए, अभी और इधर जाना है। इधर देखो कितना पहाड़, मेरा तो मतलब लाइफ का सबसे सुंदर जगह है ना। कैसा लग रहा है? पसंद है तो इधर आओ। हाँ सच में है ना, ट्रैकिंग पसंद है तो बहुत अच्छा है, बहुत सच में। गाइस आप देखो ऐसा लगता है, क्या लग रहा है वर्षा, देखो क्या लग रहा है, बोलो। स्क्रीन ऐसे फोटो खींच के बाहर तो स्क्रीन रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है ना। awesome. मतलब रियलिटी में फोटो में जो देखते हैं ना वो रियल में देख रहे हैं आज। देख लो कितना सुंदर है। और ये कोरोना टेस्ट करने वाले हैं, इनसे दूर रहना। देखो ये देखो और एक कोरोना टेस्ट करने वाला। ये देखो कैसा लग रहा है वर्षा, बहुत जबरदस्त, बहुत ही। तो गाइस और एक ब्लॉग में मैंने ये सुंदर सा जगह आपको दिखाया था एंड आपको महसूस कराया था कि कितना सुंदर ये जगह है। एंड मैं फिर से दिखा रहा हूँ क्योंकि इसी ब्लॉग में मैं इसी जगह में आ रहा हूँ, उस ब्लॉग में मैंने वहाँ तक नहीं पहुँचा था। तो गाइस अगर मैं आपको इस वीडियो में ये जगह नहीं दिखाऊँ तो एकदम नाइंसाफी होगा। गाइस आप देखो एक बार कितना खूबसूरत है, मैंने ज़िंदगी में भी इतना सुंदर जगह पे नहीं गया, शायद गया भी या नहीं भी गया, लेकिन माता रानी का जो एक फील है ना शायद हमको इसीलिए और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और भी बढ़िया लग रहा है ये जगह। यहाँ से निकल के हम लोग अर्धकुंवारी गए तो रास्ते में हमने बहुत ही एक फ़नी वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखना। तो चलिए मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताता हूँ। यहाँ पर जब आप पहुँच जाएंगे तब आपको ऐसा एक पर्ची लेना पड़ेगा ताकि आप लोग गर्भ गुफा का दर्शन कर पाए। गर्भ जून, गर्भ गुफा, अर्धकुंवारी एक ही जगह का नाम है, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर तो दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कैमरा जिस तरफ है यहाँ पर एक रास्ता है और मैं आपको घुमा के बता देता हूँ, यहाँ पर और एक रास्ता है और यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था। तो हमारे पास दो ऑप्शन था हम कहाँ से जा सकते हैं, हमको बेसिकली चल के जाना था, तो दोनों में से किसी भी रास्ता हम लोग चूज कर पाते। पहले तो हमने दो ग्रुप में डिवाइड हो गए, जैसे हम लोग बॉयज एंड गर्ल्स चल रहे थे, एंड हम लोगों ने लास्ट में डिसाइड किया कि हम लोगों को जाना है जो लोग बोल रहे थे सही रास्ता है, दूसरा नंबर वहां से। इधर इधर देखो ये वाला गुफा से हम लोगों को जाना है अभी भवन, वहाँ से आए थे हम लोग, आप लोगों को तो सब समझ में आ ही रहा होगा है ना। तो अभी देखो इस गुफा से हम लोग सीधा जाते रहेंगे, सबसे पहले बाणगंगा, उसके बाद चरण पादुका, उसके बाद अर्धकुंवारी, अभी जहाँ पर है अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं माता जी का मेन भवन में। अभी बहुत मस्त है, आप देखो पूरा सीधा सीधा, ओ हो अभी तो पानी भी नहीं गिरेगा। और क्या बोलते दीपांकर, ये रास्ता बहुत मस्त है ना, देखो। और यहाँ पर डांस करके भी जा सकते हैं, वीडियो लो, देखो एक बार, मून वॉक भी कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो का सबसे बेस्ट जगह आगे देखोगे आप, आपको देखने के बाद आपका मन बहुत ही खुश हो जाएगा। नौगांव का पुलिस, नौगांव का पुलिस, ओए 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 हेलमेट को 500 का फाइन, 500 का फाइन, 500 का फाइन।
तो गाइस, आपने कभी काना अंधे में शाना ऐसे इंसान को देखा? तो चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, उसको पानी निकालना नहीं आ रहा है। ये देख, इतना बड़ा बड़ा इधर हाथ लिखा है, देख दबा इधर, देख पानी गिरे ना। हाँ तो खा, पी, अच्छे से पी ले, पी ले, पी ले पानी, पी ले, पी ले, पी ले। यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे बंदर मिले, बहुत ही अच्छे ये लोग बंदर, बस सामान छीन लेते हैं। यकीन करोगे कोई अगर बोलने से कि सारा दिन बाद मुझे धूप दिखाए, वो भी कितना बजे? ये देखो सूरज, मेरे को अभी 6:30 बजा है। आसाम में 6:30 बजे में क्या होता है? रात हो जाता है ना। और इधर देखो, अभी जस्ट धूप निकला है। हेलो गाइस, हमारे प्यारे आसाम में आप लोग जरूर घूमने आना, बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है वहाँ पर। ये वीडियो आपको देख के क्या लग रहा है, इस जगह का नाम क्या रखना चाहिए गाइस? ये है हिमकोटी, और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे रेंज में खाना मिल जाएगा। बहुत लोग इधर खा रहे हैं, आप देखो बहुत शोर भी है। इधर मैं आप लोग को लिस्ट दिखाता हूँ, देखो सुबह से भूखे हैं बहुत टाइम से। इधर देखो, चाय 7 रुपये, प्लेन कॉफ़ी 12 रुपये, ऐसा करके बहुत कुछ है। ओहो माय गॉड, देखो वर्षा, इस जगह का नाम है हिमकोटी। हिमकोटी इस जगह का नाम है, और इस जगह का नाम हिमकोटी क्यों है आप देख ही सकते हो। मतलब पूरा हिम है, हिमालय। ये तो भालू कुत्ता। हमारा इधर बिल आ गया, पहले काउंटर से बिल कटाना पड़ता है। यहाँ पर डोसा पॉइंट, ये बन रहा है हमारा डोसा। और इधर सब लोग बैठे हैं, और मैं आप लोगों को इधर लेके जाके एक नज़ारा दिखाऊंगा। तो गाइज, ये वीडियो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? देखा आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ, इस बात के लिए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना कि कितना मेहनत करके ब्लॉग बना रहा हूँ, और मैं ब्लॉगर बन सकता हूँ कि नहीं, ये भी बताना प्लीज। साइड, ये है हमारा डोसा, 45 रुपीज़ में अच्छा ही है, आप इधर से खा सकते हो। बस इनका थोड़ा बिहेव ठीक नहीं है, बाकी ठीक है सब। 7:30 टाइम हुआ है, और देखो इधर अभी भी यहाँ पर इतना मतलब रोशनी है। हम लोग के उधर तो पूरा अंधेरा हो जाता है एकदम, इधर देख सकते हो आप पूरा रोशनी है। ये तो एक बहुत रात हो गया है उधर। एक सैंडल का कीमत क्या होता है, एक जूते का कीमत क्या होता है, आपको यहाँ पर पता चलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर चल के जाएंगे। अगर आप मेरा मानोगे तो आप एक जल्दी से सॉफ्ट शू खरीद लो। एक सॉफ्ट शू के साथ एक सैंडल भी खरीद लेना, क्योंकि बहुत टाइम जब आप शू में चलोगे, यहाँ पर बारिश होता रहता है तो वो भीग भी जाएगा, तब आप सैंडल का यूज करना। पूरा टाइम अगर सैंडल पहनोगे तब भी आपका पैर के साइड साइड में छिल जाएगा, एंड पूरा टाइम अगर जूता पहनोगे तब भी आपको चांसेस है कि साइड साइड से थोड़ा बहुत कुछ हो जाएगा, अगर आपका आदत नहीं है तो। प्लीज आप ये बात ध्यान में रखना। इधर से सीधा आने से आपको लॉकर रूम मिलेगा, और लॉकर रूम को आप अगर इधर आओगे तो आप देख सकते हो, यहाँ पर ये रहा लॉकर रूम। और आपको लॉकर रूम वाले भैया से एक बात कराता हूँ। भैया थैंक यू, ऐसे आपको एक, आप इतना मेहनत करते हो इसीलिए एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। आप 5 बजे तक सुबह ड्यूटी करोगे, कोई भी आपसे चीज़ें मांगेगा तो आप दोगे, है ना? खुला करो एकदम। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कभी और। तो गाइस, लॉकर रूम में सामान रखने के बाद हम लोग इस तरीके से रेडी हो गए थे ऊपर माता जी के भवन जाने के लिए। और माता जी के भवन में फोन अलाउड नहीं है, लॉकर रूम में ही आपको रख के जाना पड़ेगा, अमीर हो या गरीब। अभी आप देखोगे कैसे लोग यहाँ पर माता जी के दरबार में रहते हैं। ये देखो इधर आप कितने लोग सो रहे हैं इस तरफ, और उधर भी जाते रहोगे तो सोता रहेगा, उधर पुलिस वाले लोगों के सामने भी लोग सो रहे हैं। रहने के लिए बहुत जगह है वहाँ पर, जिनको जगह नहीं मिलता वो लोग ऐसे यहाँ पर सोते हैं। तो आपके लिए मैं आया हूँ, और दूर देखो इधर कैसे लोग सो रहे हैं एकदम, देखो कैसे बॉयज़ लोग हैं इधर, बहुत लोग सो रहे हैं। आप देख सकते हो कैसे रात को इधर सोया जाता है माता के दरबार में। लोगों को जिधर जगह मिल रहा है उधर ही पसर जा रहे हैं, उधर ही सो रहे हैं। और इधर अमीरी गरीबी का कोई बात नहीं है, बस भगवान का कृपा का बात है। आप देखो कैसे लोग सोए जा रहे हैं, आपको जहाँ जगह मिल रहा है उधर सोए जा रहे हैं। आप देखो एक बार,
आपको लगेगा ये कोई ट्रेन स्टेशन है, बट ऐसा नहीं है। देखो पूरा सो रहे लोग, और ये एक भोजनालय है। तो गाइज यहाँ से हम लोगों ने एक कंबल लिया, कंबल का 100 रुपये लिया एक कंबल का, और वापस करने से फिर से 100 रुपये रिटर्न कर देगा नेक्स्ट डे। और गाइज देखो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सो गए। और एक छोटा सा टिप गाइज, आप देखो जब मैं सो रहा हूँ मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सामान मैंने साथ में रखा, तो आप भी सेम ऐसा ही करना। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, आप देख सकते हो सुबह का माहौल, ये आप देखो। सुबह जब आपका आँख खुलेगा आप देखोगे कि आप पहाड़ों के बीच में हैं, वो भी इतना सुंदर, आपका दिन बन जाएगा। कल रात सोने में तो मतलब ऐसा फटा है ना, मतलब क्या बताऊँ, और बहुत ठंड है गाइस, क्या बताऊँ आप लोगों को। ये सब जितनी गलतियाँ हम लोग छोटी मोटी कर रहे हैं सब आप लोगों को ध्यान में रखना है, ताकि आप लोग सेफ रहो एंड आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। भयंकर बारिश हो रहा है इधर, आप देख सकते हो ना फोन पे चार्ज कर पा रहा हूँ ना कुछ। तो माता जी के दरबार में मौसम का कोई भरोसा नहीं, अचानक से बारिश भी आपको मिलेगा, बहुत सारा ओस भी मिलेगा, और आपको कभी कभी धूप भी मिल जाएगा। देखो कैसे अचानक से बारिश मिल गया और सब लोग रुके हैं। तो गाइज नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, रूफ वे। देखो अचानक से मौसम ठीक हो गया सच में 3-4 घंटे के अंदर, और रूफ वे भी चलने लग गया। जब मौसम खराब हुआ था तो सबने बोला था रूफ ये नहीं चलेगा 3 दिन तक, लेकिन गाइस चल गया। नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखना, मैं आपको मेरे साथ लेके चलूंगा ये रूफ वे में। डिस्क्रिप्शन में बाकी सारे ब्लॉग्स का लिंक्स है, आप प्लीज एक बार देखो, आपको बहुत हेल्प होएगा।